आज 26 नवंबर 2019 है और मंगलवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। मार्गशीर्ष मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष अमावस्या है। रात 8:35 तक और उसके बाद मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। विशाखा नक्षत्र है सुबह 9:22 तक और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं वृश्चिक राशि में। आज अमावस्या है और व्रतोपवास है। मेष राशि वालों के लिए एक और तो बेहतर होती हुई संभावना है जो आपको जिंदगी में बहुत कुछ दें। दूसरी ओर आपका टूटता हुआ भरोसा है जो आपको ये कह रहा है कि हर छोटी समस्या भी बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से आप उदास हैं, परेशान होते चले जा रहे हैं। रिश्तों को संभालने के लिए भी यह समय जैसे आपकी मदद नहीं कर रहा। क्या करना चाहिए इस समय में? उन बेहतर होती हुई संभावनाओं की ओर देखें जो आपसे बहुत कुछ कहना चाह रही। तकदीर आपके साथ है और आपकी मेहनत रंग ला रखी है। वृषभ राशि वाले इसलिए परेशान हैं क्योंकि आपके आसपास बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, और चुनौतियाँ इसलिए हैं क्योंकि आप परेशान और आप अपनी मेहनत को वो दिशा नहीं दे पा रहे जिसकी की ज़रूरत है। इसलिए अपने नज़रिए को थोड़ा सा बदल लेने की ज़रूरत है। ज़िंदगी की किसी भी मुश्किल को संभालने के लिए अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने होते हैं। क्या करना चाहिए समय में? पैसे के लेन देन पर नज़र रखनी होगी क्योंकि उसकी वजह से भी नुकसान भरी परिस्थितियाँ बन सकती हैं, और नुकसान की वजह से आप पैसे से जुड़े बहुत सारे वायदों को निभाने में असमर्थ रहें, यह भी बहुत हद तक संभव है। इसलिए अपनी स्थिति को संभालने के लिए जूझना तो पड़ेगा। मिथुन राशि वालों के लिए रिश्तों को संभाले रखना आसान है, पर ऐसा करते हुए आप अपनी कोशिशों में लापरवाह होते चले जा रहे हैं। आपकी पुरानी आदत रही है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा कह जाते हैं जो किसी के दिल को चुभ जाए, और ऐसा कुछ भी करने से फिलहाल बचने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए समूह? अपनों की हर ज़रूरत को पूरा करना होगा, और ऐसा करते हुए अपनी इच्छाओं को थाम कर अपनों की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करनी होगी। कर्क राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है, इसलिए शायद रिश्तों को संभालना भी मुश्किल ही होता चला जा रहा है। उसका असर ये पड़ रहा है कि आप हर चीज़ को लेकर असंतुष्ट, ऐसे विचार बनाने से नुकसान ही होता है। क्या करना चाहिए समय में? निजी जीवन की परिस्थितियों को संभालने के लिए अपनी कोशिशों को बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिए थोड़ा सा भरोसा बनाए रखने की भी ज़रूरत है। ज़िंदगी में कुछ भी पाने के लिए अपने मन में जुनून की भावना तो लानी ही पड़ती है, तभी जाकर कोई ना कोई सफलता मिलती है। सिंह राशि वालों के लिए निजी जीवन में कोई बहस छिड़ी रह सकती है जिसकी वजह से आप खुश नहीं, जबकि आपके विचारों का केंद्र बिंदु इस समय कहीं और ही है। कामकाज के क्षेत्र में शायद आपको कोई बहुत अच्छा लगे, या किसी प्यार के रिश्ते को आप ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो देते चले जाएं। ऐसे ही किसी दौर में संभल कर चलने की भी ज़रूरत पड़ती है। क्या करना चाहिए समय में? जो वक्त हमसे मेहनत करवा ले वही अच्छा होता है, और जो मेहनत उसकी पर्याप्त सफलता देता चला जाए उस होने पर सुहागा। कन्या राशि वालों की ज़रूरतें बढ़ी हुई हैं और आप लोगों को खुश करने के लिए भी हर तरह से समर्पित हैं। इसी वजह से बढ़ते हुए खर्चों का असर आपको अब नज़र आ रहा है, और आपको लग रहा है कि आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर पड़ती चली जा रही है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज के क्षेत्र में मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और अपनी चुनौतियों को संभालने के लिए भी अपनी एकाग्रता को बनाए रखना होगा। अपनी मुश्किलों को संभालने के लिए कई तरह के अच्छे विकल्प हैं आपके सामने जो आपकी ज़िंदगी के सुख और सुकून को बढ़ावा दे सकते हैं। तुला राशि वालों को अपने कामकाज में मन लगाना होगा, पर काम से लाभ का सोचने के बजाय उस काम की गुणवत्ता को बढ़ाने का सोचना होगा, और ये सब कुछ आपकी अपनी मेहनत और लगन से ही संभव हो पाएगा। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी पाने के लिए किसी चमत्कार की उम्मीद लगाना ठीक नहीं है। अपने काम की अच्छाई को देखेंगे और उससे जुड़े रहेंगे तो वैसे ही चमत्कार हो जाएगा। क्या करना चाहिए समूह में? लोगों की बात सुने ज़रूर, पर अपने फैसले अपनी सूझबूझ से करें। उसमें यह भी समझने की कोशिश करें कि आपकी क्षमताएं और आपकी मेहनत किस रूप से बन पाएगी, ताकि किसी भी ऐसे रास्ते पर चलने से बचें जो आपकी क्षमताओं से कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हो। वृश्चिक राशि वाले ही समझ लें कि तकदीर शायद आपके लिए उतना अच्छा साथ ना निभाए, पर आपकी अपनी लगन और आपकी मेहनत आपके लिए ज़िंदगी के नए आयाम खोल सकती है, और यह भी बहुत बड़ी बात है। इसी के चलते आपकी ज़िंदगी की समृद्धि में इजाफा हो सकता है जो आपको बहुत दूर तक ले जाए। क्या करना चाहिए समय में? संभल कर चलना सूझबूझ की निशानी है, और आपकी ओर से इसी में कमी नज़र आ रही है। काम के प्रति आपका समर्पण अच्छा है, पर आप बड़ा लाभ कमाने के लिए बड़े फैसले लेना चाह रहे हैं, और इस समय ऐसे किसी विचार से बच कर निकल जाने की ज़रूरत है। धनु राशि वालों के मन में कई तरह की चिंताएं हैं, फिर भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि आपका भरोसा जगा हुआ है, और आप उस भरोसे के तहत बहुत कुछ कर भी सकते हैं। घर परिवार में आपके अपने आपकी हर तरह की खुशी का ख्याल रख रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से जुड़ा कोई बड़ा परिवर्तन करने से बचना होगा, और दिल के बजाय दिमाग से फैसले करने होंगे। अपनी ज़िंदगी की स्थिरता को बनाए रखते हुए सूझबूझ बनाए रखना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। मकर राशि वालों को लग रहा है कि लोग आपके खिलाफ़
पर यह परेशानी नहीं है, परेशानी कहीं और ही है कि आप अपने हित को पहचानने में असमर्थ हैं और आप गलती करते चले जा रहे हैं और सोच ऐसा रहे हैं कि लोग आपके खिलाफ हैं। क्या करना चाहिए समझो? कामकाज की स्थिरता को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है, जिसके लिए परिस्थितियां आपकी मदद करना चाह रही हैं और आपकी गलतियों की वजह से मुश्किलें पैदा हों, ऐसा बहुत हद तक संभव है। इसलिए हर सूरत में ज़िंदगी की स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करनी होगी ताकि सब कुछ संभला रहे। कुंभ राशि वालों के लिए कामकाज के क्षेत्र में विचारों का मतभेद बन सकता है, जिसको लेकर आप परेशान होते चले जाएं। पर अच्छाई यह है कि यह समय आर्थिक लाभ के रूप में आपके लिए हर तरह का आशीर्वाद दिखा रहा है, जिसकी वजह से कमज़ोर होती हुई परिस्थितियां भी आपको किसी न किसी रूप से संभाल लें। क्या करना चाहिए समूह में? अपनी मेहनत के बलबूते पर बहुत कुछ संभाला जा सकता है और उसके लिए जो इस समय आपकी लगन बनी हुई है उसमें और इजाफा किया जा सकता है। अपने मन में बिठाई हुई घबराहट को थोड़ा सा हटा दें और आप देखेंगे कि आप सही रास्ते पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मीन राशि वालों के लिए किसी प्यार के रिश्ते को संभालना कठिन हो रहा है और आपका मन हटता चला जा रहा है। हो सकता है ये समय ऐसा चाह रहा हो कि आप अपना सारा ध्यान अपने काम की ओर लगा दें ताकि उसमें आपकी आपको बड़ी सफलता और बड़ी तरक्की मिल सके। क्या करना चाहिए समय? तकदीर के बजाय आपकी अपनी मेहनत आपके लिए बड़ी उपलब्धियों के द्वार खोल सकती है। आपका समर्पण इतना अच्छा है कि अगर आपकी क्षमताओं में किसी भी तरह की कमी होगी तो भी उसे संभालना आसान हो जाएगा, क्योंकि परिस्थितियां आपसे मेहनत करवा ही लेंगी।